राधे राधे, सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, ये देखिए हमने तोरण पर ये जो फ्लावर लगाया है, रोज फ्लावर, यही हम बनाने वाले हैं आज। राधे राधे, ये देखिए गुलाब का फूल हमारा, यानी कि रोज फ्लावर कितना सुंदर बना हुआ, ये हमने इस तोरण पे लगाया है। इसी को कैसे बनाना है यही मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गुलाब के फूल के लिए अगर आपको इतना ही बड़ा साइज बनाना है जितना कि हमने ये बनाया है, तो ये हमने जो है 60 चेन बनाई है लंबी, उसके अंदर हमने इसको फूल को बनाया है। अगर आपको छोटा फूल बनाना है तो आप उतनी कम चेन लीजिएगा, अगर बड़ा बनाना है तो उतनी आप ज़्यादा चेन लीजिएगा। तो ये अभी हम इतना ही बड़ा जो है फूल बनाना आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने ये हमारा जो कलर है हमने लिया है, इसी आपको जो भी कलर लेना है, आप वाइट बना सकते हो, पिंक बना सकते हो, जैसे कि हमने ये रोज फ्लावर का जो मजेंटा कलर है इसको जो कहते हैं, इसी कलर का हम बनाएंगे। तो ये हम 60 यानी कि 60 चेन हम लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले एक जो है, आप जैसे भी आपको शुरू करना हो, आप चाहे तो इस तरीके से एक हुक बना लीजिएगा। ये देखिए ऐसे, तो हम इसमें जो है 60 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, देखिए इस तरीके से हम चेन बना रहे हैं। इस तरीके से हमने 60 चेन बना ली है। अब यहाँ से छठी चेन में ऊपर से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठी चेन में से यहाँ से हम जो है, ये देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल क्रोशिया ले लिया है। अब यहाँ से ही हम तीसरी चेन में, यानी कि 1 2 3, तीसरी चेन में से हम डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम तीन चेन लेंगे, 1 2 3, और यहीं से जहाँ से पहले लिया इसी चेन के अंदर से हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। डबल क्रोशिया लिया तो ये देखिए वी बन गया है। अब हमें कोई चेन नहीं लेनी सीधा, अब हमें नीचे से 1 2 3, तीसरी चेन में से फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे। और फिर तीन चेन लेंगे, 1 2 3, और जहाँ से लिया है उसी में से फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे। जब हम एक ही चेन में से दो बार डबल क्रोशिया ले लेते हैं, यानी कि इसमें फिर यहाँ से हम कोई चेन नहीं लेते, नीचे से हम चेन गिनते हैं, यानी कि 1 2 3, तीसरी चेन में से हम जो है डबल क्रोशिया लेते हैं। और फिर तीन चेन लेंगे, इसी तरीके से हम पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने फिर ले लिया, तो देखिए जिग जैग बना हुआ, इस तरीके से हम पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके की हमने हमने एक पट्टी जो है बना के लंबी पट्टी तैयार कर ली है। और लास्ट में हम ये देखिए इसी तरीके से तीन चेन बनाकर हमने ये यहाँ पर भी एक ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर भी वी आया हमारा। अब हम यहाँ से इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ से तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इस जाली में से, ये देखिए ऊपर जहाँ तीन तीन चेन है, इस जाली के अंदर से हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
तो ये देखिए 8 बार हमने जो है डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हमारी इस जाली में से बनाना, उससे पहले हम ये जो हमारा ये देखिए यहाँ पर सेंटर, यहाँ से हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और फिर अगली जाली में से हम इसी तरीके से 8 बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरीके से हम गिन के 8 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8, ये हमने ले लिया। फिर हम इस ये देखिए ये 3 चेने वहां से हमें 8 लेना है, यहां से जो हमने सीधा यहां पर लेके ऐसे वी बनाया था, ये देखिए अलग से दिखाई दे रहा है आपको, तो इस जाली के अंदर से हम ऐसे निकाल के हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। तो लेस जो है इस तरीके से मुड़ जाएगी, फिर इसमें से हम 8 बार इसी तरीके से सब में 8-8 बार हम ऐसे लेस तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 8-8 बार लेके पूरी लेस तैयार कर लिए। तो ये बीच में जहां हमने सिंगल क्रोशिया लिया था इस तरीके से देखिए, और यहां से हमने ये देखिए खत्म हो गया अब हमारा। तो जहाँ से भी आपका ख़त्म हुआ, जैसे हमारा यहाँ से ख़त्म हुआ, हमने इस तरीके से बनाया और यहाँ से ये देखिए लास्ट में हमने 8 की बजाय 10 डबल क्रोशिया ले लिया है, थोड़ा सा यहाँ से बिल्कुल अच्छे से इसको भर दिया है। अब यहीं से हमारा जो है फूल बनना शुरू होगा, तो सीधी साइड है, जैसे ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। जो सीधी साइड है यानी कि इस तरीके से हम कर लेंगे, हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था, ये देखिए यहाँ से, तो यही हम यहाँ से मोड़ना शुरू करेंगे अपने फूल को, यानी कि इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये ऐसे इस तरीके से हम फोल्ड करते रहेंगे। ये देखिए ऐसे, देखिए फूल बनना शुरू हो गया हमारा। ऐसे फोल्ड करते करते हमें ये देखिए फिर हम उल्टी साइड आ जाएंगे ऐसे, फिर इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, यानी कि इसको पकड़ेंगे नहीं, ऐसे से घुमाएंगे। ये देखिए जो ये लाइन है उससे अगली लाइन में हम इस तरीके से रख रहे हैं, आप देखिए जिससे ये थोड़ा सा फैल के आए, इस तरीके से हम घुमा लेंगे। ये देखिए ये हमारा सिरा आ गया, यहाँ से अब हम ऐसे जो है सुई धागे की सहायता से इसको चारों तरफ से सिल लेंगे। धागा पिरोलिया जब आप बंद करें तो इतना धागा रखिए इस आपको सिलने सिलाई के लिए बच जाएगी। ये देखिए हमने एकदम ऐसे लपेटा नहीं, जो घूमते हुए आए हम उससे अगली लाइन में हमने इस तरीके से, जिससे कि हमारी सारी जो लाइनें दिखाई दे रही है, तो यहाँ से सुई धागे की सहायता से हम इसको ऐसे सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक सिल लिया, फिर हमने दूसरा अंदर की तरफ सिल लिया, इस तरीके से सारे हमें ऐसे, चाहे तो आप इस तरीके से टांग के मार लीजिए तीन तीन में इकट्ठा, जिससे कि कुछ खुले नहीं। ये देखिए ऐसे घूमते जाइए हाथ से और इनको ऐसे सिलाई करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ सफाई की जरूरत नहीं है, इस तरीके से घूमते जाइए, बस आपको ऐसे इनको जोड़ना है जिससे ये खुले नहीं। तो ये देखिए हमने चारों तरफ से ये सिल लिया है और ये फिर बिल्कुल सेंटर में हमने सुई डाला, यहाँ से बिल्कुल निकाला है, देखिए ये हमारा कितना सुंदर फूल बन के तैयार हुआ है। और यहाँ से फिर हम उल्टा एक बार और सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे और कहीं भी आपको लगाना है वहाँ से लगा लीजिए, अगर आपको बना के रखना है तो आप इस तरीके से जो है पक्का करके यहाँ से देखिए, तो कितना सुंदर फूल बन के तैयार हुआ है और कितना आसान है। तो आप इस तरीके के फूल बना के, इसको जो हम गुलाब का फूल कहते हैं, रोज़ फ्लावर कहते हैं, इसको आप बनाकर कहीं भी किसी भी ड्रेस में लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ये तोरण बनाया है और इस तोरण में हमने यूज़ किया हुआ, ये देखिए, तो ऐसे हम अपना यहाँ पर इस फूल को ऐसे लगाएंगे। के बीच में आप कोई मोती लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फैंसी बनाना है तो। ये बहुत ही सबसे आसान तरीका है रोज़ फ्लावर बनाने का, आपने देखा होगा कहीं, मैंने बहुत ज़्यादा गिनती नहीं करी है, हर एक स्टिच हमने एक जैसी ली है और बहुत सिंपल बनाया है और देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको
ऐसी ऐसी नीटिंग की, क्रोशे की आइटम आपको देखने को मिलती रहे और कान्हा जी की ड्रेस भी। उम्मीद है आप जरूर लाइक करेंगे। राधे राधे।